आप सभी लोग ओयो होटल के बारे में तो जानते ही होंगे, बट क्या आपको पता है ओयो होटल की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से वो इंडिया में आया और अभी पूरे वर्ल्ड में सेकंड सबसे लार्जेस्ट होटल का चेन बन चुका है। मतलब दुनिया भर में सबसे बड़ा अगर कोई होटल है तो ओयो जो है सेकंड नंबर पे आता है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों ओयो जो है इंडिया में किस तरह से आया और इनका जो फाउंडर है किस तरह से अभी सिर्फ 26 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट बिलियनर बन चुके हैं, तो आज की वीडियो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों बात करते हैं आज के हम ओयो होटल के बारे में कि ओयो होटल इंडिया में किस तरह से आया और इतना सक्सेस किस तरह से हो गया। वैसे दोस्तों बात करते हैं रितेश अग्रवाल के बारे में जो कि ओयो होटल का फाउंडर है। इनकी अभी जो प्रेजेंट एज है वो 26 है। वो 18 ईयर्स तक में हम लोग की तरह एक नॉर्मल लड़का थे, वो उन्होंने उसके लिए पढ़ाई किया बट उन्होंने कोई भी कॉलेज में नहीं गया। 18 साल की उम्र में वो घर से निकल गए ये सोच के कि उन्हें कुछ काम करना है, कुछ बड़ा सा अचीव करना लाइफ में। बहुत सारे स्ट्रगल की, बहुत सारे जॉब के तलाश में थे बट फाइनली एक बार वो जनरली नोटिस कर रहे थे कि उनके घर के पास कुछ एक होटल थे जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था और जो उसका ऑनर था वो भी कुछ खास कमाई नहीं कर पा रहा था। वो होटल में बहुत कम लोग आते थे, लगभग ना के बराबर होटल बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था। तो इसके माइंड में कुछ ऐसा है कि ऐसा क्या किया जाए कि इस होटल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना स्टार्ट कर दे। तो वो क्या किया, वो उस होटल में गया और उसका उस होटल का जो मालिक था उससे गया एक बात करने के लिए और अपना जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने गया उस होटल में। वो वहीं से इस चीज़ का वो उसने स्टार्ट करा। उसने वहाँ पे गया और उस होटल का जो मालिक था उससे बात किया और उसने उससे प्रॉमिस किया कि मैं इस होटल को अभी के सिचुएशन के हिसाब से इसे बेटर कर दूंगा, इस होटल में लोग आने पहले से काफ़ी शुरू हो जाएंगे। तो उसके साथ वो एक बॉन्ड बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया, उस होटल की बहुत सारी चीज़ें चेंज करा, लाइट्स न्यू लगाया, वाटर दिया वहाँ पे, नया नया फ्रेम लगाया दीवार पे, बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह लगाई, मतलब रूम को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर दिया, रूम को क्लीन किया और उसका एक अच्छी सी फोटो क्लिक करके उसने इंटरनेट पे डाल दिया और उस होटल का नाम उसने डाल दिया ओयो होटल। वहीं से उसकी स्टार्टिंग हुई। कुछ ही दिनों में दोस्तों जिस तरह से कुछ भी लोग उस होटल में नहीं आते थे उस होटल का फोटोज देख के और जिस तरह की उसने चीज़ें उस होटल में प्रोवाइड करी थी वो लोगों को बहुत ही पसंद आया और धीरे धीरे करके उस होटल में भीड़ लगना शुरू हो गया और ऐसा हो गया कि अब लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी होटल में एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा उसने कैसे किया, तो दोस्तों इस तरह से अपने लाइफ की बहुत बड़ी डिसीजन भी ली। जिस टाइम वो 18 ईयर की उम्र में अपने घर से निकला था उसके पॉकेट में 50 रुपये भी नहीं थे। उसने एक जगह से लोन लिया था और मतलब फ्रेंड से या फिर किसी रिलेटिव से लोन लिया था, पैसे जो बोल सकते हैं उन्होंने लिया था और उसके बाद जाके उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया था और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन वो लेने गया और इस तरह से वो सक्सेस हो गया। देखते देखते वो 22 साल की उम्र में लगभग उनके पास 550 ओयो होटल हो चुका था ऑल ओवर इंडिया में और अभी 24 साल की उम्र में उन्होंने लगभग बिलियनियर बन चुके थे वो और पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका जो है होटल हो चुका था। और अभी बात करूं अभी की तो उनकी 26 ईयर की उम्र में जो है दोस्तों अभी उनके पास एक दो होटल नहीं, लगभग उनके पास में 43,000 से भी ज़्यादा, मतलब 43,000 से ज़्यादा होटल वो ओयो के नाम पे चला चुके हैं पूरे वर्ल्ड में और इस तरह से दोस्तों अभी वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट बिलियनर बन चुका है। तो ये कहानी थी रितेश अग्रवाल के बारे में और ओयो के आने के बाद से लगभग 3.5 लाख लोगों को जॉब मिल रही है ओयो के हेल्प से। तो दोस्तों किस तरह से एक छोटी सी हार्डवर्क, एक छोटी सी स्टेप लाइफ की कितनी बड़ी अचीवमेंट तक आपको पहुंचा सकती है, तो कभी भी हार नहीं मानना है, अपने को लगे रहना है बस, कभी ना कभी तो सक्सेस आएगी। कब तक सक्सेस नहीं आएगी, बस अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये स्टोरी थी रितेश अग्रवाल की। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।